हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम लोग छोटू को रिलीज़ करने वाले हैं, मतलब मेरे कबूतर को जो मुझे घर के बाहर मिला था, मतलब मेरे दोस्त के बिल्डिंग के नीचे। तो अभी ये ना कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगा है, जैसे आपने अभी देखा होगा, ये देखो फिर से उड़ रहा है। इसको ना अभी एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, बार बार इधर से उधर उड़ते रहता है। इसलिए अभी मैं सोचा हूँ कि आज इसको रिलीज़ कर देता हूँ, इसको अच्छे से खाना खिलाता हूँ, उसके बाद रिलीज़ कर देता हूँ। वैसे इसको टोटल 12 दिन हो गए मेरे पास, और 12 दिनों में इसने मतलब मेरे को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, बार बार भागने को उड़ने को ट्राई करता था। ये अच्छी बात है कि वो मेरे से अटैच नहीं हुआ ज़्यादा, अगर मेरे से अटैच हो जाता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए मैंने उसको दूर दूर ही रखा, सिर्फ खाना खिलाता था बस, बाकी उसके साथ मस्ती नहीं करता था, खेलता नहीं था, उसको निकालता भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे ही 12 दिन बीत गए। अभी देखो मतलब पहले से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट इतना फ़र्क है कि उसके हेल्थ में थोड़ा फ़र्क हो गया और वो थोड़ा उड़ने भागने लग गया बस। आज देखेंगे, उसको लेके जाएंगे, अगर उड़ेगा तो सही है, वरना रिटर्न घर पे लेके आएंगे। भिखारा तो अच्छे से खिला के तो हो गया मेरा, अभी थोड़ा ट्राई करते घर पे इसको उड़ाने का। हाँ, और वो खुद से भी खाता है, बट अभी वो खुद से खाता, मैं कब शूट करता और वो आपको दिखाता, इसलिए मैंने उसको खुद ही हाथ से फटाफट फीड कर दिया। खुद से खाता है पर इतना फास्ट फास्ट नहीं खाता है। हाँ, पानी खुद से एकदम फटाफट पी लेगा। ये देखो पानी कैसे पी रहा है। पहले दिन तो उसको नल से मेरे को पानी पिलाना पड़ रहा था, अभी खुद से पानी पी लेता है फटाफट एकदम। अभी थोड़ा उसको ट्राई करता हूँ घर पे आपको दिखाने का कि कितना उड़ता है कितना नहीं। हाँ, लैंडिंग परफेक्ट रहती है उसकी, कि यहाँ पर लैंड करना है तो यहाँ पर ही लैंड करना है, ऐसे नहीं कि कहाँ पर भी लैंड कर दिया। ये देखो परफेक्ट अपने बॉक्स के ऊपर लैंड करता है। और थोड़ा उड़ा के दिखाता हूँ। वैसे तो अभी घर के अंदर है इसलिए हाथ भी पे आ जा रहा है, बाहर एक बार उड़ेगा तो हाथ में नहीं आएगा फिर। ये देखो 1 2 और ये 3, ये उड़ा दिया, वो बराबर लैंड करता है एकदम पैर के ऊपर, ऐसा नहीं कि जाके गिर रहा है कहीं पे। तो आई होप कि ये बाहर अच्छे से रहेगा, अभी देखते। ये देखो और एक बार बराबर डब्बे पे लैंड करता है, मतलब उसके बॉक्स के ऊपर। ये अच्छा है कि उसको फटक से हैबिट हो गई। अभी चलो मैं चलता हूँ फटाफट इसको रिलीज। हाँ, आज रिलीज कर देंगे, देखेंगे देखेंगे बोल रहा हूँ। अभी मैं ना इसको लेके जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पर एक कबूतर खाना नहीं बोल सकते, नॉर्मली वहाँ पर कबूतर को लोग दाने डालते हैं, वहाँ पर इसको लेके जाता हूँ और इसका रिएक्शन देखता हूँ बाकी सब कबूतर देखने के बाद। मेरे घर के एकदम पास ही है, मतलब चल के भी 5 मिनट लगेगा, बाइक से तो 2 मिनट लग जाता है। तो ये हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, ये देखो कितने सारे कबूतर है। अभी इन लोग में छोड़ के इसका रिएक्शन देखता हूँ कि क्या रिएक्शन रहता है। आई होप कि अच्छा ही होगा, ये डरेगा नहीं उन लोग से, मेरे को तो नहीं लगता है डरेगा, पर जो भी देखते क्या होता है। और ये मेरा दोस्त शूट कर रहा है बंटी। अभी देखो मैं उसका बॉक्स खोलता हूँ, इस तरफ से खोलता हूँ, उस तरफ से मेरे को थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, इस तरफ से खोलता हूँ और ये खुल गया। अभी ये मैं ना इसको थोड़ा नीचे रख के देखता हूँ क्या करता है। अरे अपने आप ही उड़ गया, नाइस, अच्छा साइन है, अपने आप उड़ रहा है। अगर अपने आप नहीं उड़ता तो फिर थोड़ा सा मेरे को लगता कि जाएगा नहीं जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा वाला है। ये देखो ये जो बैठा है ना फर्स्ट में आगे आगे जा रहा है, यही अपना छोटू, देखते जा रहा है दूसरे कबूतरों को देख रहा है कि यार इतने सारे थे पर कहाँ पर थे, मेरे को दिखे क्यों नहीं अभी तक। से 12 दिन ही रखा इसने, मैंने इसको अपने पास, माँ बाप को तो देखा ही होगा इसने, बट इतने सारे कबूतर इसने पहले टाइम देखा रहेगा साथ में। देखो थोड़ा पास से,
ये देखो कैसे क्लीन कर रहा है खुद को, ये बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल दे रहा है ये कि भाई हाँ मैं रेडी हूँ वाइल्ड में रहने के लिए। और अभी क्या करेगा क्या कुछ पता नहीं, मेरे को तो लगता है थोड़ी टाइम यहाँ पर ही बैठेगा, पर देखते हैं। वो इतने सारे कबूतर देख के शॉक हो गया रहेगा कि इतने सारे और है मेरे जैसे। अभी देखो ये वाला कबूतर देखो कितना बड़ा लग रहा है, मतलब उसके आजू बाजू के वो देखो छोटा लग रहा है एकदम। वैसे तो वो अभी बच्चा ही है, इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बट इतना बड़ा हुआ है कि खुद खा सकता है, खुद पी सकता है और खुद उड़ भी सकता है परफेक्ट। पर वो बाकी सब कबूतरों में रह के सीख भी जाएगा कि कहाँ पर रहना है कहाँ पर उड़ना है। अभी थोड़ा उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बारिश का सीज़न चालू हो गया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं। पर बट वो अपनी लाइफ फ्री जिएगा, कभी उसको मतलब केज में नहीं रहना पड़ेगा। देखो कैसे देख रहा है, ज़्यादा पास जाऊँगा तो उड़ जाएगा, इसलिए तो मैं ज़्यादा पास नहीं जा रहा, दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जूम करके ही बना रहा हूँ। उड़ गया एक नंबर, ये देखो कैसे जा रहा है, ये सामने वाली बिल्डिंग पे जाके बैठ गया। मेरे को घर पे उड़ते हुए देखा था तभी लगा ही था ये उड़ सकता है, और वही हुआ, उड़ रहा है। चलो अच्छी बात है, ये तो मेरा तो सेकंड प्लान रेडी ही था कि अगर कुछ नहीं हुआ नहीं उड़ा तो रिटर्न घर पे लेके जाएंगे, फिर 10 दिन बाद लेके आएंगे, पर नहीं। चलो अच्छी बात है, उड़ गया। अभी दिख रहा नहीं होगा परफेक्ट, मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है। देखो देखो दिख गया, थोड़ा इधर आ गया है। अभी पहले वो छोटे से पेड़ के पास था, अभी थोड़ा इधर आ गया, देखो जूम करके बताता हूँ। चलो अभी फिर चलते हैं, छोटू तो अपनी लाइफ में अभी गुम हो जाएगा, तो भी अभी अलग ही बैठा है दूसरे कबूतरों से, पर कुछ नहीं। चलो इतने कबूतरों में यहाँ पर उसको खाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, और वो घूम भी लेगा इधर उधर दूसरे कबूतरों के साथ। चलो फिर मैं निकलता हूँ, ये मैं दूसरे वे से जा रहा हूँ अपने घर पे। छोटू की याद तो बहुत आएगी, पर क्या है, चलो जैसी अपनी लाइफ है वैसी उसकी भी लाइफ है, फ्रीली जीना चाहिए और ब्रीड करे आई होप आगे जाके। मेल है फीमेल है कुछ पता नहीं था मेरे को, बट मेरे को लगा कि इसको ला के घर पे बचा के उड़ाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज़ यार कोई तो सब्सक्राइब कर दो, 0 सब्सक्राइबर्स है अभी भी, 0, एक एक कोई यह बंदा होगा जो सब्सक्राइब करेगा। चले लो मैं घर पे भी पहुंच गया दूसरी वजह से, इतना